मेरा नाम नरेंद्र मोहन मंगल है, मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ और मेरी ट्रांसपोर्ट का काम है, उसका नाम पैक एंड मूव ट्रांसपोर्ट कंपनी है। मैंने 1996 में ट्रांसपोर्ट के काम को शुरू किया था और मेरी पहली गाड़ी अशोक लेलैंड थी और आज मेरे पास 80 गाड़ियों का फ्लीट है जिसमें से 65 गाड़ियां अशोक लेलैंड की हैं। और 2018 अक्टूबर में मैंने 10-10 गुरु गाड़ी नई खरीद ली। इससे पहले भी मेरे पास 5-11-11 की गुरु गाड़ियां थी, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने 18 में 10-10 गाड़ी गुरु नई खरीदी। मेरी जो गाड़ियां हैं वो मेरे मुख्य क्लाइंटों पे चलती हैं जिनके नाम हैं जेसीबी इंडिया लिमिटेड, स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड, व्हील्स इंडिया लिमिटेड और हैप्पी फोर्जिंग और सुपर गैस। मेरी जो गुरु 10-10 गाड़ी है ये मैंने सुपर गैस में अटैच की हुई है। ये महीने में तकरीबन 6000 से 6500 किलोमीटर रन करती है और ये कंपनी के शेड्यूल के हिसाब से आगरा, भिवाड़ी, धारूवेड़ा और नीमराना जाती है। इसमें एक टाइम में 110 सिलेंडर के जाते हैं और उसके बाद एम्प्टी सिलेंडरों को कंपनी में खाली करने के बाद वापस लेके आती है। महीने में तकरीबन 14 चक्कर के आसपास ये गाड़ी लगा देती है जिसका रन तकरीबन 6500 के आसपास बैठता है। जब से हमने गुरु गाड़ी ली है हमारे को सबसे बड़ा फ़ायदा ईंधन की बचत का है, जो कि महीने की कम से कम 100 लीटर के आसपास अन्य गाड़ियों से डीजल बचाती है। इसकी अगर हम एवरेज साल की लगाएं तो तकरीबन 90,000 के आसपास हमें तेल में अन्य गाड़ियों से ज़्यादा बचत है। जो गुरु 10-10 गाड़ी है इसकी लंबाई पूरी 22 फुट है जबकि अन्य गाड़ियों में लंबाई 21.5 फुट होती है। इसमें पार्टी के 5 से 10 सिलेंडर एक्स्ट्रा आते हैं जिससे पार्टी खुश रहती है और कंफर्ट के मामले में ये अन्य गाड़ियों से अलग है। इसमें ड्राइवर जो है बड़ा खुश रहता है और ड्राइवर की हमारी सारी कंपनी की गाड़ियों में से जो सुपर गैस में चलती हैं वो इसे चलाना हर आदमी पसंद करता है क्योंकि ये कम्फर्ट में है। मेरा नाम नानक चंद है, मैं PMDC की गाड़ी चलाता हूँ गुरु 10-10 और ये गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, लंबे रूट पर बढ़िया चलती है, ड्राइवर को कोई तकलीफ नहीं। इसकी सीट भी बहुत अच्छी है और गाड़ी पिकअप बढ़िया लेती है। इसका गियर बक्सा या पावर स्टेयरिंग है कोई भी दिक्कत मतलब गाड़ी में है नहीं जी, अच्छी चलती है गाड़ी। इस गाड़ी में अंदर केबिन में सोने के लिए भी अच्छी जगह है, रात को अगर कहीं गाड़ी रुक जाए तो कोई ड्राइवर को कोई परेशानी नहीं होती सोने के लिए। और दूसरा ये लंबे रूट के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, इसमें जैसे कि अंदर ऐसा केबिन इसका अंदर ऐसा है कि जैसे कि कार का, जैसे कि एकदम कार चलाते हैं हम ऐसे लगती है हमको गाड़ी। मेरे पास जो अशोक लेलैंड गाड़ियां हैं और जिस रूट पे चलती हैं उस रूट में मुझे हर 30-40 किलोमीटर के बाद इनका सर्विस सेंटर अवेलेबल है। इन्होंने मेरे को एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जो 24 आवर्स काम करता है, कभी ज़रूरत पड़ी है तो मैंने या मेरे ड्राइवर ने इनको फ़ोन किया है तो इन्होंने मेरे को इमीडिएट हेल्प दी है। कंपनी का जो मोटो है आपकी जीत हमारी जीत, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ। कंपनी ने हमें समय समय पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिए जिसमें लो मेंटेनेंस, लो डीजल की खपत और समय समय पर कंपनी का ग्राहकों के लिए सोचना एक बहुत ही अच्छी आदत है और उसके फ़ायदे हम समय समय पर उठाते रहे हैं। हमें कंपनी ने समय के अनुसार नए मॉडल दिए, नई टेक्निक दी जिसका फ़ायदा हमने उठाया और आज हमारा फ्लीट बढ़ाने में अशोक लेलैंड का भी बहुत सहयोग है। कम खर्चों की गाड़ियां दी, हमारी बचत की तरफ ध्यान दिया, हमारी बचत बढ़ी, हमने अपनी गाड़ियां बढ़ाई। और मेरे सारे ट्रक भाइयों से, ट्रक मालिकों से यह अपील है कि आप भी अशोक लेलैंड गाड़ी को लीजिए और अपनी बचत को बढ़ाइए। सर्विस की तरफ से, लो मेंटेनेंस की तरफ से, गाड़ी की कैपेसिटी की तरफ से, गाड़ी की कंफर्ट की तरफ से अशोक लेलैंड का मेरी नज़र में कोई और कंपनी का मुकाबला नहीं है। आपकी जीत हमारी जीत।